Hello friends, welcome in Parishamadu lecture. Today we will study social science. Standard 7, semester 2, chapter 6. Chapter 6 है Mughal Empire. Mughal Empire का golden age and downfall. चलो फिर start करते हैं. Are you ready? Okay, now start. Jhallu family went on a tour to Delhi. Pallak gave the album of snaps taken during the tour to her class teacher. He showed it to the students. One question was written under each picture. Looking at one of the pictures, students asked the teacher a question. Why is this lady in the picture pulling the chain of the bell? The teacher answered that this picture gives a glimpse of the system of justice during Jahangir's period. We will get information about different Mughal rulers today. जल्लू की फैमिली दिल्ली के पर्यटन पर गए थे. वहाँ से उन्होंने कुछ तस्वीरें खींची थी और उसने छोटी सी एल्बम बनाई थी. वो एल्बम अपने क्लास टीचर को दिखाई तो उन्होंने सब स्टूडेंट वो एल्बम देख रहे थे. हर एक जो पिक्चर थी उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ था. एक चित्र को देखकर एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया कि इस चित्र में एक महिला जंजीर क्यों खींच रही है. तो क्लास टीचर ने उसका आंसर दिया कि मुगल शासक जहांगीर की न्याय व्यवस्था की ये चित्र हमको याद दिलाता है. आज हम मुगल शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी जहांगीर ascended the throne of Delhi. The Mughal kingdom was extended far and wide during his period. There was peace in the state. After him, during Shah Jahan's reign, many monuments were built. Many of these were world famous monuments of unparalleled magnificence. During his reign, the Mughal dynasty was established. Later on, during Aurangzeb's rule, the empire extended, but it led to the fall and of the empire too. Let us learn about some major incidents that occurred during Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb's period. Mughal shasakon mein sabse pratibha sampann shasak Akbar ke nidhan ke baad दिल्ली की गद्दी पर उसका पुत्र जहांगीर बैठा. उसके समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा हुआ. राज्य में शांति देखने को मिली. उसके बाद के शासक शाहजहां के शासनकाल में विशेष तौर पर निर्माण कार्य हुआ. कई विश्व प्रसिद्ध नमूनेदार स्थापत्य बने. उसके समय में मुगल सत्ता स्थायी हुई. उसके बाद के शासक औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सत्ता का विस्तार सविशेष हुआ, लेकिन साथ में पतन के भी बीज बोए गए. मुगल शासक जहांगीर शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे. जहांगीर. आफ्टर द डिमाइस ऑफ अकबर हिज सन सलीम एज्यूम्ड द नेम ऑफ जहांगीर एंड एसेंडेड द थ्रोन इन 1605 CE. अकबर के अवसान के बाद सन 1605 में सलीम नामक उसका पुत्र जहांगीर नाम धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आया. प्रिंस खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम एंड सो जहांगीर इम्प्रेस्ड इन हिम. शाहजहां खुसरो ने विद्रोह किया तो जहांगीर ने सख्ती से कार्रवाई करके उसे बंदी बना दिया. जहांगीर एस्यूज्ड सिख गुरु अर्जन सिंह ऑफ हेल्पिंग खुसरो एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ. सिख गुरु अर्जन सिंह ने खुसरो की मदद की है ऐसे आरोप के तहत उनका वध किया गया. जहांगीर के समय में इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में हॉकिंस और टॉमस रो भारत आए और देश में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा. जहांगीर की पत्नी नूरजहां अधिक स्वरूपवान और महत्वाकांक्षी थी.
राज्य के अधिकतर हिस्से का संचालन वह खुद ही संभालती थी। नेक्स्ट है शाहजहां। शाहजहां बिलीव दैट एग्रीकल्चर इज फंडामेंटल टू द ऑफ अ नेशन, सो ही गैव प्राइमरी इम्पोर्टेंस ऑफ टू एग्रीकल्चर एंड कंटिन्यूड विथ अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ही अपॉइंट ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स। राज्य की उन्नति की नींव एग्रीकल्चर पर है, ऐसा शाहजहां मानते थे। एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दिया उन्होंने, और जो अकबर ने रेवेन्यू सिस्टम बनाया था वही उन्होंने जारी रखा। उसने अपने राज्य में ईमानदार और मेहनतकश अधिकारियों की नियुक्ति की थी। शाहजहां ने पुरानी दिल्ली के पास शाहजहांबाद नामक एक शहर बसाकर उसमें भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था। शाहजहां के समय में मुगल शासन की आय प्रमाण में अधिक थी। शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, लाल किला, फिर दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, ऐसे प्रसिद्ध स्थापत्य बनवाए थे। नेक्स्ट है औरंगजेब। औरंगजेब्स मेमोरी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरली शार्प। ही वॉज वेल वर्स्ड इन द अरेबिक एंड पारसियन लैंग्वेजेस एंड हैड कुरान शरीफ इन डिटेल। औरंगजेब डिसलाइक आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग। यहाँ पे औरंगजेब के बारे में बताया गया है। औरंगजेब की जो याद शक्ति थी वो बहुत ही गजब की थी। अरबी और फारसी भाषा पर उसकी पकड़ थी। उसने कुरान शरीफ का पूरा पूरा स्टडी किया हुआ था। औरंगजेब को कला, संगीत, चित्र, इन सभी में रुचि नहीं थी। मारवाड़ को स्वतंत्र करने हेतु वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के साथ अविरत 25 साल तक संघर्ष किया था। औरंगजेब का दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के शिया राज्यों के साथ भी 25 साल तक उन्होंने संघर्ष किया था। आफ्टर नोइंग अबाउट सम ऑफ द इंसिडेंट दैट अकर्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, नाउ लेट अस लर्न अबाउट देयर सोशल लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल लाइफ। सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल एरा। द किंग एंड हिज कोर्टियर लीड अ लाइफ ऑफ प्लेजर एंड लग्जरी। द एम्परर्स एंड आमीर्स वेर फोंड ऑफ एक्सपेंसिव क्लोथिस एंड ज्वेलरी। अबुल फजल हैज रिटन दैट अबाउट 1000 एक्सपेंसिव गारमेंट्स यूज्ड टू बी मेड फॉर द एम्परर एवरी ईयर। During this time, Gujarati traders conduct business on a large scale and large volume of goods were imported and exported from the ports of Gujarat. Festivals were celebrated with a lot of pomp and grandeur. During Jahangir's reign, the Dashera was celebrated in a grand manner. Foreigners did not have the right to take away wealth from India. तब की जो social life थी, यानी कि सामाजिक जीवन कैसे थे, कैसा था तब का? मुगल समय में समाज सामंत व्यवस्था पर आधारित था। राजमहल और राज दरबार का वातावरण विलासी था। बादशाह और अमीरों को शाही पोशाक गहने पहनने का बहुत ही शौक था। अबुल फजल लिखते हैं कि हर साल बादशाह के लिए लगभग 1000 मूल्यवान पोशाक तैयार किए जाते थे। उस समय गुजरात के व्यापारी अधिक संख्या में व्यापार करते थे। गुजरात के बंदरगाहों से विपुल मात्रा में चीज़ें विदेश जाती और आती थी। त्योहारों पर, उत्सवों पर धूमधाम से ये सभी त्यौहार मनाए जाते थे। जहांगीर के समय में दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। कोई भी विदेशी अमलदार भारत से प्राप्त धन बाहर नहीं ले जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन। वी कैन नो अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द मुगल एरा फ्रॉम अबुल फजल्स बुक। एट दैट टाइम 55.5 रतल वॉज इक्वल टू वन मैन। शोल्स फ्रॉम लाहौर
Dhuri is from Fatehpur Sikri. Cotton clothes from Gujarat and Dhaka's muslin were very famous and popular products. Goods were exported and imported from Khambhat, Surat, Bharuj and many ports of Bengal. Villages were self-reliant at that time. Villagers themselves produced most of the goods that they required. तब की जो इकोनॉमिकल पोजिशन थी यानी तब की जो कंडीशन थी उसके बारे में लिखा है अबुल फजल के बुक में से मुगल समय की आर्थिक स्थिति जानी जा सकती है उस समय 55 रतल के बराबर था। लाहौर की शाल, फतेहपुर सिकरी की चटाइयाँ, गुजरात का सूती कपड़ा और ढाका की मलमल दुनिया भर में प्रख्यात थी। खंभात, सूरत, भरूच, मलबार तथा बंगाल के कुछ बंदरगाहों से चीज़ें विदेश जाती और आती थी। गांव अभी भी स्वावलंबी थे। अपने आप को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी उनमें से ज़्यादातर चीज़ों को ग्रामीण लोग खुद ही बनाते थे। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, गांव शहर में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार आज से 30 साल पहले किस तरह मनाए जाते थे उसकी जानकारी आप अपने दादा दादी से या इनसे ले सकते हैं। आपके गांव शहर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बाहर से नहीं लानी पड़ती है। नेक्स्ट है आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द मुगल पीरियड। द मुगल रूलर्स वेर वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रैंड पैलेसेस। हिंदू स्टाइल ऑफ डेकोरेशन मर्ज्ड विथ इस्लामिक स्टाइल टिंग पैलेसेस एंड डोम्स। शाहजहां बिल्ट मेनी रिनोड मोन्यूमेंट्स एंड इज नोन एज द कंस्ट्रक्टर ऑफ पैलेसेस। ही ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड मेनी आर्टिस्ट एंड सो इनकरेज्ड आर्ट। द राजपूत रूलर्स वेर वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स एंड सो पेट्रोनाइज्ड द आर्ट ऑफ पेंटिंग। जहांगीर टू वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग पेंटिंग्स। मुगल काल का कला साहित्य। मुगल शासक भव्य महलों के बड़े शौकीन थे। हिंदू कला का सुशोभन मुस्लिम कला के महलों तथा गुब्जों के साथ जुड़ा हुआ है। शाहजहां ने कई विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य बनवाए। उसे महलों का निर्माता कहते हैं। उसने कई कलाकारों को आश्रय देकर कला को प्रोत्साहित किया था। राजपूत शासक चित्रकला के खूब शौकीन होने से चित्रकला को प्रोत्साहित करते थे। जहांगीर को भी चित्र एकत्रित करने का शौक था। मुगल काल कुल मिलाकर शांति का समय माना जाता है। साहित्य को विकसित करने के लिए यह समय अनुकूल था। इसी समय संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद हुए, इतिहास के ग्रंथ लिखे गए, कबीर और रहीम के दोहे तथा पद प्रचलित हुए। वैष्णव आचार्य विठ्ठलनाथ जी के शिष्य रसखान ने हिंदी काव्य लिखे। इस समय कई विदेशी यात्री भारत आए थे। उन्होंने राज्य शासन तथा उस समय के लोक जीवन का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। उस समय टेवर्नियर तथा बर्नियर नामक फ्रांसी यात्री भारत में आए थे। उनमें बर्नियर तो भारत में 12 साल तक रहा था। उसने लिखा है कि मुगल शासक सेना के पीछे ज़्यादा खर्च करते थे। वह प्रशंसापूर्वक लिखता है कि भारत का कपड़ा उस समय यूरोप और एशिया के बाजार में खूब लोकप्रिय था। यहाँ पे कुछ सोचने के लिए बोला है, ये बोला है कि हमारे देश में वर्तमान समय में सेना के पीछे कितना धन खर्च किया जाता है। दोहे साखी जैसे छोटे पद लोगों में क्यों प्रचलित होते हैं। नेक्स्ट है डाउनफॉल। शाहजहां रेन कैन बी कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर। वन कैन से दैट द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्टेड इन द लेटर ईयर्स ऑफ शाहजहां। औरंगजेब्स पॉलिसी टू प्रोवाइड फेटल। औरंगजेब स्ट्रगल कंटिन्यूसली अमोंग दिस द कन्फ्लिक्ट विथ वीर दुर्गादास इन द नॉर्थ एंड मराठा केसरी शिवाजी इन द साउथ आर नोटवर्थी। डाउनफॉल मतलब कि उनके पतन का बीज कहाँ से शुरू हुआ। मुगल शासन का स्वर्ण युग अर्थात शाहजहां का समय जो था, शाहजहां का शासनकाल था। ऐसा कहा जा सकता है कि शाहजहां के अंतिम वर्षों में
मुगल शासन के पतन की शुरुआत हो गई। उसमें औरंगजेब की नीति घातक साबित हुई। औरंगजेब लगातार संघर्ष करता रहा, जिसमें उत्तर की तरफ वीर दुर्गादास और दक्षिण में मराठा केसरी शिवाजी का मुगलों के सामने जो संघर्ष हुआ वह उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है वीर दुर्गादास। आफ्टर द डिमाइज ऑफ द किंग ऑफ जोधपुर, हिज क्वीन एंड हर सन वेर अंडर द ऑफ द मुगल रूलर्स। वीर दुर्गादास शेल्टर्ड देम एट अ सेफ प्लेस। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ लॉयल सोल्जर्स ही प्रोटेक्ट्स मारवाड़ इंडिपेंडेंस फॉर 25 ईयर्स। औरंगजेब वॉज अनसक्सेसफुल इन डीलिंग विद देयर ऑफ लॉन्चिंग सरप्राइज अटैक्स एंड हैड टू अल्टीमेटली रिकाउंसिल विद द राजपूत। यहाँ पे वीर दुर्गादास के बारे में लिखा है। जोधपुर के महाराजा के स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र और रानी पर मुगल शासन का भय पैदा हुआ। वीर दुर्गादास ने उनको सुरक्षित जगह पर रखा। बाद में वफादार सैनिकों की मदद से मारवाड़ की स्वतंत्रता का झंडा 25 साल तक लहराता रहा। सहसा आक्रमण करने की व्यूह रचना के सामने औरंगजेब सफल नहीं हुआ। आखिरकार उसको राजपूतों के साथ संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी। इज अ कंसिक्वेंस ऑफ औरंगजेब्स पॉलिसी, मैनी किंगडम्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। मराठास किंगडम वॉज वन अमंग्स देम। द मराठा सरदार्स वो वर्कड फॉर द बहमिन सुल्तान्स एंजॉयड जागीर्स, बट द नीड टू एस्टाब्लिश एन इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग मराठा किंगडम अरोज विद द इमरजेंसी ऑफ शाहजी भोंसाले, द ब्रेव एंड कैपेबल लीडर। लेटर शिवाजी महाराज हिज सन टुक ओवर द मेंटल ऑफ द मराठा किंगडम। औरंगजेब की राजनीति के परिणाम स्वरूप उसके सामने जो नई ताकतें खड़ी हुई उनमें मराठा राज्य की गिनती होती थी। बहमनी सुल्तानों की नौकरी करते हुए कुछ सरदार सत्ता सुख भोग रहे थे। अंततः स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए एक समर्थ वीर नेता मिला। यह राष्ट्रवीर यानी शिवाजी महाराज। भोंसले कुटुंब के शाहजी के पुत्र शिवाजी का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। माता जीजाबाई और गुरु दादाजी कौंडदेव की निगरानी में शिवाजी की परवरिश हुई। बूना की छोटी सी जागीर में शिवाजी ने स्वराज्य के सपने सजाए। स्वाभिमान, निडरता, तेजस्विता जैसे सद्गुण उन्होंने अपनी माँ से पाए थे। राजनीति के पाठ दादा से सीखे, तानाजी जैसे मित्र मिले उन्हें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सैन्य शक्ति एकत्र की। 16 साल की उम्र में तो उन्होंने किलों पर विजय पाने की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने तोरणा, चाकण, सिंहगढ़, पुरंदर जैसे किले जीत लिए थे। बीजापुर एवं मुगलों के सामने कई लड़ाइयों के बाद 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने अपने राज्य में सुशासन की स्थापना करने के लिए कई प्रयास किए थे। राज्य कारोबार चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों का एक मंडल बनाया था। लास्ट वाला हमारा पॉइंट है एंड ऑफ मुगल रूल। द मुगल आर्मी वॉज टायर्ड ऑफ वेंगिंग वॉर अगेंस्ट द मराठास इन द साउथ फॉर 25 लॉन्ग ईयर्स। एट लास्ट औरंगजेब डिसाइडेड टू रिट्रीट टूवर्ड्स द नॉर्थ। ही हैड ऑल्सो बिकम ओल्ड बाय दैट टाइम। आफ्टर हिज डिमाइज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बिगेन। स्ट्रगल फॉर द थ्रोन ब्रोक आउट। There was no capable ruler who could keep everybody together. Aurangzeb's narrow-minded policies were responsible for the end of the Mughal Empire. मुगल शासन का अंत। 25 साल तक दक्षिण में लड़ाई करके मुगल सेना थक गई थी। आखिरकार औरंगजेब को उत्तर की ओर वापस जाना पड़ा। अब वो बहुत ही बड़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे।
उसकी मृत्यु के बाद मुगल शासन आहिस्ता आहिस्ता पतन की ओर बढ़ने लगा। गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए। सभी को साथ रख सके ऐसा कोई समर्थ शासक न मिला। औरंगजेब की संकुचित नीति यानी कि नेरो माइंडेड जो उसकी पॉलिसी थी मुगल शासन के अंत के लिए जिम्मेदार बनी। ईस्वी सन 1526 में अस्तित्व में आई मुगल सत्ता 1707 में पतन की तरफ बढ़ने लगी। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य औरंगजेब के शासनकाल में भारत में फैला और उसी के ही शासनकाल में पतन की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जो शाहजहां के अंतिम अवस्था का है। चैप्टर नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर सिक्स में हमने मुगल शासन के बारे में पढ़ा। चैप्टर नंबर आपको शायद याद होगा, चैप्टर नंबर 4 में भी हमने मुगल अंपायर के बारे में जाना था। उसके बाद आए थे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में हमने जाना। फिर मराठास के बारे में जाना, उनके साथ उनकी कई बार लड़ाइयाँ हुई थी। फिर उनका डाउनफॉल यानी कि उनका शासन का अंत होने लगा, पतन होने को आया था आहिस्ता आहिस्ता, इन सब के बारे में हमने चैप्टर नंबर 6 में जाना। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।